आइए आज बात करते हैं एक क्रांतिकारी लेखक की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अपनी फैमिली के मूल्यों से विद्रोह, माँ बनना ही औरतों का एकमात्र धर्म नहीं, सेक्स वस्तु नहीं, स्त्री पुरुष के संबंध रिश्तों के मोहताज नहीं, इन विषयों पर आज जो लिखा या विमर्श किया जा रहा है इससे कहीं पहले 1972 यानी लगभग 50 साल पहले ही नाटकों में लिखा जा चुका है। क्या आप जानते हैं किसने और कहां लिखा? साथ ही आपको ये भी बता दूं कि खुली आंखों से ख्वाब देखने वालों के लिए उन्होंने कहा, मुझे चांद चाहिए, और वो उनका लोकप्रिय उपन्यास बना। इतनी हिम्मत खास तरीके से एक ही व्यक्ति ने की है, जिन्हें हम आज उनके जन्मदिन 7 सितंबर पर याद कर रहे हैं। वो हैं सुरेंद्र वर्मा, झांसी के रहने वाले, राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित और अपनी बेबाक पक्षों की वजह से लोकप्रिय। आधुनिक अवधारणाओं के कमाए हुए सत्य पर सवालिया निशान लगाते हुए हमेशा चुनौती दी है। हर प्रचलित मान्यताओं को तोड़ते हुए सुरेंद्र वर्मा अपने नाटकों में लिखते हैं कि मर्यादा परंपरा व्यर्थ है, इंसान के अंदर पाप पुण्य के अंतर्द्वंद पर, स्त्री पुरुष के मर्यादित रिश्तों को तोड़ते संबंधों पर। उनके नाटक द्रौपदी हो या सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक हो, जिनमें स्वच्छंदता है, स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेंस है हर सहज भाव के लिए। सेतुबंध नाटक में गुरु कालिदास और शिष्य प्रभावती के बीच संबंधों को लेकर भारतीय मूल्यों का टूटना है, तो वहीं बेटे द्वारा माँ के प्रेम और शारीरिक संबंधों के विषय में पूछना भी परंपरागत मूल्यों को ध्वस्त करने जैसा ही है। सम्मान की जगह प्रश्न करना ऐसे घटनाक्रम हैं जो आधुनिकता को भी पीछे छोड़ते हैं, वास्तविकता का परिचय करवाते हैं, वैल्यूज की वैल्यू बताते हैं। द्रौपदी नाटक में रोज की जिंदगी से थक कर पारिवारिक विघटन और उससे उपजती कुंठा को लिखा ही नहीं बल्कि उस पर सवाल भी खड़े किए हैं। सुरेंद्र वर्मा का अपने नाटकों के माध्यम से एक स्वर स्पष्ट करना कि प्रेम केवल एडजस्टमेंट है, पैसा हर कला, हर संबंध, हर हुनर और हर आदर्श से बड़ा है, कहीं न कहीं सत्य प्रमाणित करता नजर आता है। सेतुबंध में प्रभावती अपनी माँ से कहती है, भावना के बिना शारीरिक संभोग बलात्कार होता है और मैं उसी का प्रमाण हूँ। द्रौपदी नाटक में विवाहित जीवन की विसंगतियों से पैदा हुई त्रासदी है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में शिलावती के माध्यम से कहते हैं, मर्यादा धर्म वैवाहिक संबंध सब मिथ्या है, सब पुस्तक है, लेकिन मुझे पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीना है। दरअसल हम जिस पर बात भी नहीं करना चाहते उन पर वो सवाल खड़े करते हैं। उनके नाटकों के क्रांतिकारी पहलू जो कि सत्य भी है, उससे समाज को नया दृष्टिकोण मिले, नया नजरिया मिले, इस उम्मीद के साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं।